अस्सलाम जी, वेलकम टू मोमोज लाइफस्टाइल। तो व्लॉग स्टार्ट हो गया है खाना बनाने से। ये पूरा व्लॉग ही बेस करता है खाना 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 पे। एक्चुअली हुई है, मेरा इन लॉज की तरफ से मेरे हस्बैंड की कज़न का बेटा इधर रहता है और वो हमारे ऊपर वाले घर में बिल्डिंग में ऊपर रहता है। उसकी जी बेटी पैदा हुई है माशाल्लाह इधर। तो मैंने कहा कि फ़िलहाल चिकन पड़ा है, मैं वही बना के सालन के तौर पे दे देती हूँ। बीच में मैंने जी देसी घी डाल डूल दिया। ये जी साथ रोटी बन रही है, देसी घी डाल के अच्छी तरह मैंने कहा रोटी बना के उसको दे दी जाए उसकी बीवी के लिए। तो जी मैंने देसी घी इतना डाल दिया कि जी रोटी फटने ही लग गई, यानी पेड़ा ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि भाई जी जैसा भी टूटा फूटा सा पेड़ा होता है कर लेते हैं, कोई नहीं। तो करके मैनेज करके आखिर को मैंने जैसी तैसी करके रोटी बना ही दी। लेकिन देखें, ये बेलने के लिए भी बेलते वक्त भी ना मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा था, लेकिन फिर भी कर ही लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा तैसा करके टूटा फूटा सा काम कर ही लेते हैं। तो जी रोटी बनाई है और उस पर दोबारा से ऊपर देसी घी लगा दिया है और उसको पैक कर रही हूँ, क्योंकि उसने मतलब कि जो नेफ्यू है उसने लेके जानी थी ये रोटी अपनी बीवी के पास हॉस्पिटल में। तो फिर जी वो लेके जाने वाला है, तो मैंने कहा अच्छी तरह जी चौपड़ शोपड़ दी जाए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने यही देखा है। अच्छा, लोग शोरबे वाला भी खाते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं हमेशा छिलो छिलो में खड़े खड़े मसालों वाले ही सालन खाए हैं, ऊपर से देसी घी डाल डूल के। पहले ही ये देसी घी में पकाया था, तो मज़ीद देसी घी मैंने डाल दिया और जी पैक कर दिया है और वो लेके जाने वाला है इधर जी घर में। आ गए हैं हस्बैंड, थोड़ा सा चिकन उनको दे दिया, मसा चावल बनाए थे, साथ फ्रूट काट दिया। और बाद में जी शाम में मैंने कहा कि उसकी बच्ची भी घर थी, तो मैंने कहा क्यों ना बच्ची को, बच्ची और बेटा उसका एक घर ही थे। तो मैंने कहा चलो जी, मैं बना रही थी ये गार्लिक ब्रेड, ये तो जी मैं अपने लिए बना रही थी, तो बर्गर्स बना रही थी मैं उसके बच्चों के लिए जो कि घर ही थे। तो मैंने कहा कि उनको भी इस टाइम दोबारा भूख लग गई होगी, पहले उन्होंने मसा चावल खाए थे, तो मैंने कहा चलो वो भी बना लेती हूँ। साथ ही मैं गार्लिक ब्रेड ट्राई कर रही थी जो बहुत ही मज़ेदार और यमी बनी। एक्चुअली ये KMC गार्लिक ब्रेड ख़रीदी थी और ये गार्लिक ब्रेड के नाम से ही थी और इसमें बटर वगैरह चीज़ें लगी हुई थी। देखिए मेरा चीज़ कितना अच्छा मेल्ट हो रहा था, बहुत यमी लग रहा था। साथ ही मैंने ये जो बर्गर्स उनके लिए तैयार किए, फिर जो पहले तो मैंने बच्चों अपनों को बर्गर दे दिए, फिर जूस वगैरह के साथ, और फिर उसके बाद मैंने जी उन बच्चों के लिए भी बर्गर्स और जूस तैयार करके उनको दे दिया। और ये शाम का टाइम था जी, बच्चे बड़े बाहर खेलने गए हुए थे, पूरा घर मैस हुआ हुआ है मेरा, क्योंकि मैं घर की ऑल ओवर सफाइयाँ शुरू की हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके जी एक कमरे की तरफ आना है। तो खैर ये दिन गुजरा, नेक्स्ट दिन आया, फिर जी चिकन का ही फ़िलहाल मसाला बना के दिया है, और क्योंकि उसने कहा था कि यही बना दें और मुझे आइडिया नहीं था। वो मुझे कह के, उसका हस्बैंड मुझे यानी नेफ्यू मुझे कह के गया था कि जी शोरबे वाला बना दे, तो मैंने बना दिया फिर से खड़ा खड़ा मसाला। साथ ही मैंने पकौड़ियाँ बना रही थी, मैंने कहा चलो जी पकौड़ियाँ बनाते हैं। ये जी आटा लेके आए हैं, आटा उसके लिए गूँध रही हूँ। मैंने कहा चलो अपने लिए बाद में गूँधेंगे, उसको पहले गूँध देते हैं और रोटी बना देते हैं, उसको तो बना के फ्री करूँ ना। क्योंकि यू नो जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो वो दिल से करना चाहिए। करती तो मैं दिल से ही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। और ये पसीना, ये मैं आपको दिखाना, देखना अभी किस तरह बहेगा पसीना, इतना पसीना। हालांकि अब मौसम चेंज हो चुका है इधर मस्कत में, लेकिन फिर भी ये ऐसा ही मौसम है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता। ये ढेर पकौड़ियाँ मैंने बना दी हैं, एक साथ ही रोटी बना रही हूँ, फिर एक ही हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक ही हाथ से पेड़ा। क्या कमाल की बातें हैं ना मेरी। फिर आपको पता है कि बच्चे जब बाहर खेलने गए हों और ख़ुद ही वीडियो बनानी हो तो फिर ये ऐसे ही काम होते हैं। तो जी रोटी पे फिर लगा दिया था मैंने घी और साथ पकौड़ियाँ, ऊपर मीठी चटनी मज़ेदार सी डाल के ऊपर पहुँच गई। और जी मैं तैयार होकर गई थी, मैंने कहा जी बच्ची से मिलने जा रहे हैं, उसको प्यारा सा मुँह दिखा, लेकिन वो तो सो रही थी, इतनी प्यारी है, छोटी सी प्यारी, बिल्कुल डॉल। और जो मेरी बेटी थी ना जिसकी डेथ हो चुकी है, उसका वेट था 2.8 kg, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह, वो कहते 2.8 kg है और इतनी नाजुक है। अल्लाह इसको ज़िंदगी दे सेहत तंदुरुस्ती के साथ और नेक नसीब करे। तो जी ये मेरा नेफ्यू ना इधर बल्दिया में काम करता है और इसके सामने ये पहला बच्चा पैदा हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड था, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, अपनी बीवी की हर तरह से हेल्प कर रहा था। वैसे तो सब भी करते हैं हेल्प हस्बैंड्स, लेकिन ये कुछ ज़्यादा कर रहा था और करनी भी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ये काका जी उसका प्यारा सा सो रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और फिर मैं देख
खाना दे दू के नीचे वापस आ गई, यहाँ जी मैं नीचे वापस आ रही हूँ। और फिर जी मेरी फ्रेंड और उसकी बेटी आ गए थे, क्योंकि उन्होंने आना था तो मैंने मंगवाए थे समोसे और साथ में पकौड़ियाँ दी थी उनको। तो हम लोगों ने ये ड्राइंग रूम जो सिटिंग एरिया बनाना है उस पर मज़ीद काम किया ऑलमोस्ट, तो अभी भी मज़ीद काम चल रहा है। अभी सोफ़ा वगैरह वार्निश वगैरह चीज़ें होनी है, इंशाल्लाह जब प्रॉपरली हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बिफ़ोर आफ्टर दिखाऊंगी, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने ना एक्चुअली म्यूज़िक लगाया हुआ था और साथ काम कर रहे थे, तो बच्चों ये सारे मेरे कोई नीज़ का बच्चा, कोई उसकी फ्रेंड, कोई नेबर्स के, वो सब आए और इन्जॉय किया। फिर जी एट लास्ट मैंने सबको बोल दिया कि बस मस्ती ख़त्म, म्यूज़िक ख़त्म, चलो जी भागो सारे अपने घर। तो जी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।